जय हिंद रेस्टोरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ओटीए में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में और जो भी हॉलीडेज लीव्स वेकेशन जो भी आपको मिलती हैं उन सब के बारे में कि ओटीए में आपको कब और कितनी हॉलीडेज मिलती है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं आपको टोटल। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जेंटलमैन कैडेट्स और लेडी कैडेट्स को कौन कौन से प्रिविलेज क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर वन इज स्टाइपेंड। जब आप कमीशन हो जाते हो तब आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग पर होते हो तो उस वक्त आपको स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि 15,000 से 20,000 के बीच होता है। एनडीए में क्या स्टाइपेंड होता है, क्या सैलरी होती है, ये सारी चीजें मैंने एक दूसरी वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे सिर्फ ओटीए की बात करेंगे। तो अगर आपको एनडीए और बाकी सभी अकेडमीज के लिए जानना है तो वो उस वीडियो में आप देख सकते हो। इस स्टाइपेंड के लिए आपका वहाँ पे अकाउंट खुलवाया जाता है और हर महीने आपका स्टाइपेंड उसमें ट्रांसफर हो जाता है, जिसे आप अपनी वेकेशंस में या जब भी आपको जरूरत हो आप उसको यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर पे बात करते हैं अकोमोडेशन की। रहने के लिए कैडेट्स को फ्री रूम्स बाकी सभी फैसिलिटीज के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। मेस, लाइब्रेरी, सारी फैसिलिटीज होती है कैडेट्स के लिए। लेकिन जब भी कोई रिलेटिव, पेरेंट्स, मतलब फैमिली से कोई भी अगर कैडेट से मिलने आते हैं तो उनको अकोमोडेशन नहीं दिया जाता। वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं कि उनको कहाँ रहना है। उनको सिर्फ एक टाइम दे दिया जाता है, वो भी अभी मैं एंड में बताऊंगी कि किस टाइम पे वो मिल सकते हैं आके। तो ये फैसिलिटी सिर्फ कैडेट्स के लिए है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं कैंटीन फैसिलिटी की। सिर्फ कमीशन या आर्मी ऑफिसर्स के लिए ही कैंटीन फैसिलिटी नहीं होती, कैडेट्स जो ट्रेनिंग पर होते हैं उनके लिए भी कैंटीन फैसिलिटी होती है। यूनिफॉर्म वगैरह के लिए भी आपको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती है, स्टोर्स मिलते हैं जहाँ से आप अपने लिए यूनिफॉर्म या फिर जो भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वहाँ से आप ले सकते हो। आपकी स्टेशनरी के लिए या फिर ये सभी जो छोटी मोटी चीजें इनको आप ले सकते हो वहाँ से। नंबर फाइव, फूड सर्विसेज। वहाँ पे आपको एक वॉरियर बेकरी भी मिलती है जहाँ पे आप बेकरी आइटम्स भी ले सकते हो और फ्रूट शॉप्स भी होती हैं, जूस शॉप्स वगैरह सब होती हैं वहाँ पे। नंबर सिक्स है मूवी थिएटर। मैंने ओटीए वाली वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पे सैटरडे और वेंसडे को मूवी दिखाई जाती है, एक दिन हॉलीवुड एक दिन बॉलीवुड। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो दोबारा से डीप में नहीं बताऊंगी, उन्हें आप वो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। मैं आई बटन में भी लिंक शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर मूवीज दिखाने के लिए प्रॉपर थिएटर की फैसिलिटी होती है। नंबर सेवन है मेडिकल फैसिलिटीज, जो आपको एकेडमी में भी मिलती है। अगर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो तो उसके लिए एकेडमी में आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन अगर कुछ मेजर हो तो उसके लिए कैडेट्स को मिलिट्री हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वो भी वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर पे ही है। तो मेडिकल के लिए भी कैडेट्स को प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाती है। नंबर एट पे बात करते हैं सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। वहाँ पे गेम्स वगैरह का भी प्रॉपर प्रोविजन है, क्वैश, टेनिस, रॉक क्लाइंबिंग, मार्शल आर्ट, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर्स, बोटिंग, गोल्फ, योगा, फोटोग्राफी, बॉल डांसिंग, आर्चरी क्लब, एरोबिक्स, फिटनेस, जिम वगैरह, मतलब सभी है। सभी मतलब किसी में भी आप मेंबरशिप ले सकते हो और कोई भी गेम खेल सकते हो। तो ये थी सभी फैसिलिटीज। अब बात करते हैं हॉलीडेज की कि कैडेट्स को कितनी लीव्स मिलती है, कौन कौन सी वेकेशंस होती हैं और एक्स्ट्रा लीव मिलती है या नहीं। ट्रेनिंग का क्या स्केड्यूल रहता है, कैसे ट्रेनिंग दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, ये भी मैंने वीडियोज में बताया है। जो 49 वीक की ट्रेनिंग जो है आपको आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, जिसे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर भी कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म की ट्रेनिंग जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद एक टर्म ब्रेक मिलता है कैडेट्स को जो 3 वीक्स का होता है, 3 हफ्ते की छुट्टी मिलती है उसमें आपको। इसके अलावा एक मिड ब्रेक भी मिलता है जो 3 दिन का होता है, पर वो सभी कैडेट्स जिन्हें कोई पनिशमेंट मिली है या जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं करा है उनको अलाउ नहीं होता छुट्टियों में घर जाना, मतलब उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। ये मैंने ओटीए वाली वीडियो में बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि ट्रेनिंग में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती, फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं होती है, वहाँ पे आपको जो थ्योरी और प्रैक्टिकल चीजें कराई जाती हैं उनका एग्जाम भी लिया जाता है, प्रॉपर मार्क्स दिए जाते हैं उसके। तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सबको सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उन्हें मेमोराइज करते रहना है, क्योंकि अगर उन्हें आपने क्लियर नहीं करा तो आपकी ट्रेनिंग और लंबी भी हो सकती है, ऊपर से आपको हॉलीडेज भी नहीं मिलेंगी, आपको लीव्स नहीं मिलेंगी। इसके अलावा एक स्पेशल लीव होती है जिसमें मैक्सिमम 10 दिन की लीव पर लोग घर जा सकते हैं, मतलब कैडेट्स घर जा सकते हैं। बाकी रिकमेंड किया जाता है कि अगर पॉसिबल हो तो वो लीव आप मत लो, क्योंकि फिर कवर करने में भी दिक्कत आती है जो भी आपको कराया जाता है वहाँ पे। और अगर आपको किसी क्लोज वन की वेडिंग के लिए, शादी वगैरह के लिए छुट्टियाँ लेनी हो तो वो तभी मिलती है अगर जिसकी शादी है उनसे आपका ब्लड रिलेशन, मतलब सगे भाई बहन की, ऐसे किसी की शादी हो तो उसमें आपको छुट्टी मिल सकती है। लेकिन कोई रिलेटिव, किसी रिलेटिव की शादी हो तो वहाँ पे आपको छुट्टी नहीं मिलती है। किसी के फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव भी अगर मिलने आते हैं तो जो दोनों टर्म की ट्रेनिंग होती है उसमें 8 वीक की, 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही वो आ सकते हैं, उससे पहले अलाउ नहीं होता है मिलना, चाहे आप जूनियर रहो चाहे सीनियर रहो, 8 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद ही पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को अलाउ किया जाता है मिलने के लिए। उसमें भी टाइमिंग है, एक तो जो भी मिलने आते हैं वो सैटरडे या संडे को ही मिलने आ सकते हैं, संडे की टाइमिंग होती है 10 AM से 6 PM, इसी के बीच वो मिलने आ सकते हैं, और सैटरडे को 5:30 से 6:30 PM, मतलब 5:30 बजे सुबह से
शाम को 6:30 बजे के बीच। तो ये थी कुछ खास फैसिलिटीज और लीव्स के बारे में जानकारी। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आई विल आंसर दैट देयर। जय हिंद।